4 मार्च की सुबह 10 बजे यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज विचार मंच और शिव प्रेमियों की ओर से भीख मांगो आंदोलन किया गया। बरसों से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक वाली सड़क की दुर्दशा शहर वासियों और यहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। इसलिए सरकार और लापरवाह प्रशासन को नींद से जगाने के लिए इस सड़क की मरम्मत और परिसर के रखरखाव की प्रमुख मांग को लेकर यह आंदोलन छेड़ा गया था। इस मौके पर मंच के पदाधिकारियों सहित सर्वदलीय नेता और शहर के सभी धर्म समुदाय के समाज बंधुओं ने इकट्ठा होते हुए इस चौक से गुजर रहे वाहन चालकों तथा राहगीरों से भीख मांग कर शासन और प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही का पुरजोर विरोध किया। इस दौरान आंदोलन में शामिल लोगों ने राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से निकलकर आंदोलनकारियों ने तहसील कार्य का रुख किया। सड़क निर्माण के लिए लोगों से, दुकानदारों, वाहन चालकों से स्वेच्छा से दिया गया दान लेते हुए आंदोलनकारी तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी भावनाएं व्यक्त की। इसमें सभी समाज के लोग, सर्वपक्षीय लोग आज भीख मांगने के लिए श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के चौक, जो डिग्रस की हमारी शान है, उसकी दुर्दशा इतनी खराब हो चुकी है कि डिग्रस के सभी समाज के लोगों ने आज प्रशासन को जाग करने के लिए भीख मांग आंदोलन किया है। संबंधित विभाग से, नेशनल हाईवे से, सार्वजनिक बांधकाम से, नगर परिषद असेल याच्या अधिकाऱ्याला सांगू इच्छितो, हरामखोरांनो जागे व्हा। याच्यानंतरचं आंदोलन जेसीबीने रस्ता खोदून काढू, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान तुम्हाला करून देणार नाही, रस्त्यावर आणून जोरेला मारू। काही आमच्या बालवांनी एक अशी अफवा केली होती, अशी अफवा पसरवली होती की या चौकाचं काम कालपासूनच चालू होणार होतं, परंतु कोणत्याही पद्धतीचं कामकाज सुरू झालं नाही। आणि आमची अटच ती होती, जर शुक्रवारी 4 वाजेपर्यंत तुम्ही काम सुरू केलं तर आमचं आंदोलन स्थगित, परंतु एक अफवा पसरवायची, काहीतरी करायचं या उद्देशानं काही आमच्या मित्रांनी तो हा प्रयत्न केला, त्याला कोणी भीक मागे घातली नाही आणि आपण आपलं आंदोलन सक्सेस केलं। पुढचं आंदोलन हे आम्ही दिग्रस बंद करणार आहोत। छत्रपती शिवाजी महाराज सर्व धर्म सद्भाव के इंसान थे, जिन्होंने इंसानियत का मनसूबा इस महाराष्ट्र में कायम रखे, और यहाँ की सेना भी वही मनसूबे के ऊपर चलती है। महाराष्ट्र की सेना और शिवसेना, ये जो छत्रपति के मार्ग पे चलती है, हम सब लोग इनका आदर करें, और जो भी हमसे भीख मांगने के आंदोलन में पैसे जमा हुए हम महाराष्ट्र शासन को, महाराष्ट्र तहसीलदार को देने के लिए आए हैं। तहसील कार्यालय पर पहुंचकर मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संबंधित सड़क निर्माण के मुद्दे को लेकर जारी किया गया ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा और राज्य सरकार, जनप्रतिनिधि सहित प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। इस भीख मांगो आंदोलन में जमा राशि को राज्य सरकार को भेजकर प्रतीकात्मक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। कुल मिलाकर इस भीख मांगो आंदोलन को शहर के नागरिकों का उम्दा समर्थन मिला। देखना होगा कि क्या इस पहल से सरकार नींद से जागती है या फिर हमेशा की तरह लापरवाही की चादर ओढ़ कर बैठ जाती है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।